नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कोडिंग एवं डिकोडिंग से लिए गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे दोस्तों रेलवे एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए आसान तरीका बताएंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, हम रीजनिंग की आपकी बहुत जबरदस्त यहां पे तैयारी करा रहे हैं। 30 में 30 मार्क आप कैसे लाएंगे, उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब कुछ हम यहां पे आपको बता रहे हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग के क्रैश कोर्स का 4th वीडियो है। और ये कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा, सिंपल क्वेश्चन है। हम आपको बता दें दोस्तों, पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, सिंपल है लेकिन पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से पहले पढ़िएगा, प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं, यदि किसी कूट में ABC को BDF लिखा जाता है तो DEF को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, सॉल्व करना उसे बहुत आसान होता है। बस आपको पता क्या होना चाहिए दोस्तों, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, ABCD का ज्ञान है और 1-2 का ज्ञान है। आपको ये पता होना चाहिए A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है। ये सारी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके लिए सेकेंडों का काम है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा है ABC को क्या लिख रहा है दोस्तों, BDF। पूछ क्या रहा है दोस्तों, DEF को क्या लिखेंगे। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम बता रहे हैं। सबसे आसान तरीका पहले यहां समझिएगा, आप ये देखिए दोस्तों A को क्या लिखा है, A को लिखा है B, तुरंत बाद वाला लिख दिया है। और B को क्या लिखा है दोस्तों, D, यानी B के बाद C आता है, C को छोड़ दिया है, उसके बाद D लिखा है। C के को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, C को लिखा है F, यानी कि C के बाद दोस्तों D आता है, E आता है, उसके बाद F आता है। यहाँ पे क्या किया है, 2 अक्षर का गैप लिया है। जैसे जैसे गैप लिया है दोस्तों, वैसे वैसे हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। D को क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे गैप नहीं लिया था तो यहाँ पे भी हम गैप नहीं लेंगे। D को क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। E को दोस्तों क्या करेंगे, 1 अक्षर का गैप लेंगे, क्योंकि यहां दूसरे वाले पे क्या किया था, 1 अक्षर का गैप लिया था। तो E को क्या करेंगे, 1 अक्षर गैप लेंगे, F छोड़ देंगे, होगा क्या दोस्तों, यहां पे G हो जाएगा, ठीक है। F को दोस्तों क्या करेंगे, 2 अक्षर का गैप लेंगे, F के बाद G और H को छोड़ देंगे और लिखेंगे क्या दोस्तों, I। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, EGI। देखिए EGI किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर B में है। आपका ऑप्शन नंबर B दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न सिंपल होते हैं, हम आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जैसे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पेन उठाने की कहीं जरूरत नहीं है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को समझ भी रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल भी रही होगी। मन लगा के प्रिपरेशन करिए, नौकरी लेके रहना है और हम दिला के रहेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में टेम्पल TEMPLE को UFNQMF कोड किया जाता है तो साइन, देखिएगा यहां पर सिंह लिखा है, SING सिंह का कोड क्या होगा, यहां पे कह रहा है। तो देखिए यहां पे भी क्या करेंगे आप, बस ये देखिए दोस्तों ना, T को क्या लिखा है, U लिखा है, तुरंत बाद वाला। E को क्या लिखा है, F लिखा है, तुरंत बाद वाला। M को क्या लिखा है, N लिखा है, तुरंत बाद वाला। P को क्या लिखा है, Q, तुरंत बाद वाला लिखा है। L को M लिखा है, E को F लिखा है, यानी यहां पे कैसे कोडिंग किया है दोस्तों, तुरंत बाद वाला लिखा है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, तुरंत बाद वाला लिख दीजिए। S के तुरंत बाद क्या आएगा दोस्तों, T आएगा। I के तुरंत बाद क्या आएगा दोस्तों, J आएगा। N के बाद तुरंत क्या आएगा, O आएगा। जी के बाद तुरंत क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा। तो देखिए दोस्तों TJOH किस ऑप्शन में है, TJOH देखिए किस ऑप्शन में है। तो देखेंगे TJOH ऑप्शन नंबर आपका C में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
सही होगा कि नहीं, सही हो जाएगा ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है सारे ये सब प्रश्न, दिमाग में फिट बैठ रहा है, तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, आप नौकरी ले के रहेंगे, ठीक है। बस कमी किसकी है, आपको डेली दोस्तों 8 से 10 घंटे की तैयारी करनी है। तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए करना। टाइम आपके लिए लिमिटेड टाइम है, इसमें आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। करना क्या है, बस आपको तैयारी करना है, जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे आप प्रिपरेशन करिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन दिखाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा ये रहा तीसरा क्वेश्चन, हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को दोस्तों क्या करिए, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में कैरी CARY को XZII लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्रिंग BRING को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें भी क्या करना है दोस्तों, वही चीज करना है, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये दोस्तों ये लिख दिया, उसी प्रकार से हम इसको भी वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है बता रहा हूं, यहां पे समझने का एक बार प्रयास करिएगा। देखिए यहां पे सी को क्या लिखा है दोस्तों, सी का संबंध दिया है X से, A का संबंध दिया है Z से, R को I लिखा है, फिर R है तो I लिखा है, Y है तो B लिखा है। तो यहां से आपको क्या ज्ञात होता है, यहां से दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात होता है, आप ये देख रहे हैं कि A को Z लिखा है, C को क्या लिखा है दोस्तों X लिखा है, यानी इसका विपरीत अक्षर लिखा है। विपरीत अक्षर समझ रहे हैं क्या होता है, नहीं आपको पता तो याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों इधर से पहले पे है तो उधर से जेड, यहां से ABCD हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे जेड होगा, तो इधर से हम काउंट कर रहे हैं तो ए पहले पे है, उधर से काउंट करेंगे तो जेड पहले पे होगा, होगा कि नहीं। तो ए का विपरीत कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी दोस्तों इधर से काउंट करेंगे दूसरे पे होगा, और इस जेड के पहले दोस्तों क्या आता है, वाई आता है, उधर से जब Z से काउंट करेंगे तो ये दूसरे पे Y आ जाएगा, तो B का विपरीत क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। इस प्रकार से सभी हो जाएंगे, तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं याद कर पाएंगे तो बोलिएगा, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद किया जाता है। तो चलिए यहां पे अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं, समझिएगा। तो यहां पे किया क्या है दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर थे, समझिएगा। क्वेश्चन में ये किया है कि C को क्या लिखा है दोस्तों, X लिखा है, यानी C तीसरे पे है तो उधर से X तीसरे पे है, ठीक है। यानी कि C का विपरीत क्या होता है, X होता है, और A का विपरीत दोस्तों क्या होता है, Z होता है, R का विपरीत I होता है, R का विपरीत I होता है, Y का विपरीत B होता है। इसी प्रकार से दोस्तों बताइए, B का विपरीत क्या होता है दोस्तों, Y होता है, R का विपरीत क्या होता है दोस्तों, I होता है, I का विपरीत दोस्तों क्या होगा, R ही होगा, जब R का I है तो I का R होगा, N का दोस्तों क्या होगा, N का क्या होगा दोस्तों बताइएगा, M होगा, G का तो क्या होगा, T होगा। तो देखिए YIRMT किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे YIRMT ऑप्शन नंबर C में है, तो आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न आपके समझ में आ रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप लोगों की दोस्तों सिलेक्शन होना तय है, आपकी नौकरी लगेगी। बस करना क्या है दोस्तों, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं इसे नोट करिए, और इस पर मैं आपको आगे और क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो उसे भी आपको करना है। पहले जितना समझा रहा हूं उतना समझिए और लिखते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी हम आपको बता दें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न ये भी है। प्रश्न देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ के समझने का प्रयास करिए। बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन सिंपल करा रहे हैं, एक बार आप लोग क्या करिए ना, प्रीवियस सर का पेपर देख लीजिए, जब देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं लॉन्ग मेथड से प्रश्न कराऊं तो आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन में दम है, लेकिन क्वेश्चन में किसी भी रेलवे के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का रीजनिंग का, दम नहीं होता है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सब आसान है,
बस आपको क्या करना है, समझना है। और मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन को सिंपल वे में समझा देता हूँ, आसान भाषा में समझा देता हूँ। आपको लगता है प्रश्न तो बहुत सिंपल था, एक बार प्रश्न को जब आप अपने आप से, उसी लिए बोलता हूँ, जब प्रैक्टिस के भी तौर पे लेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन में दम है, सर ने सिंपल भाषा में समझाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि पाई PIPE को 169165 लिखा जाता है तो स्वान SWAN का अंतिम अंक क्या होगा। यहां पे पूछ रहा है कि SWAN का अंतिम अंक क्या होगा। तो देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस पहले ये देखिए यहाँ पे ये पाइप को दोस्तों 169165 कैसे लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 16 नंबर पे आता है। I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है, 16 पे आता है। E कितने पे आता है, 5 पे आता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 16 9 16 5, तो यहाँ पे भी 16 9 16 5 ही दिया है, यानी किया क्या है दोस्तों, नंबरिंग किया है। ठीक है, तो उसी कार से हम यहां पे भी करेंगे, लेकिन यहां पे आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को भी पूरा पढ़िएगा। पूछ रहा है का अंतिम अंक क्या होगा, SWAN का अंतिम अंक, कहने का मतलब पाइप का अगर पूछता अंतिम अंक, तो अंतिम अंक ये वाला होता है 5। तो यहां पे n कितने नंबर पे आता है दोस्तों, n आपका कितने पे आता है, 14 पे आता है, 14 पे आता है। तो देखिए यहां पे अंतिम अंक क्या होगा दोस्तों, 4। 14 का आखिरी में क्या है दोस्तों, 4 है, यही आपका आंसर होगा। देखिए 4 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग बस पढ़ते रहिए। चलिए, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट है वो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी हम आपको बता दें दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में दोस्तों 2014 में दोस्तों ये 4 बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्वेश्चन तो रेलवे में इतने रिपीट होते हैं, हम आपको बता दें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन दोस्तों 20 से 25 बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, 20 से 25 बार। आप उसी लिए कहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्व करिए, मार्केट से खरीद लीजिए, उसे भी आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, रिपीट करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, 20 बार पूछे जाते हैं रिपीट। देखिएगा 20 बार कोई क्वेश्चन पूछा गया, कोई 25 बार, कोई 8 बार, कोई 10 बार, ऐसे ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप सॉल्व किए रहेंगे तो देखेंगे इसका आंसर तुरंत दे देंगे, आपको समझ में भी आएगा कि सॉल्व कैसे हुआ है, इसीलिए प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करिए। और हम आपको करा भी रहे हैं, आपको अगर जो मार्केट से नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सारे पेपर कराएंगे और आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे एग्जाम को पास किया जाता है, बस आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए प्रश्न आप पढ़िएगा, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, यदि यूनिवर्सिटी UNIVERSITY का कोड 12739487 है तो ट्रस्टी TRUSTY को उसी कोड में कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसा ना करिएगा U कितने नंबर पे आता है, N कितने नंबर पे आता है, ये सब नहीं किया जाता है ऐसे प्रश्नों को, बस आप ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ट्रस्टी पूछ रहा है TRUSTY। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या यूनिवर्सिटी में दोस्तों ट्रस्टी है, यानी कि देखिए टी है आर है, यूनिवर्सिटी में देखिए टी है आर है, इसमें यू है एस है, इसमें देखिए यू है एस है, फिर इसमें टी है वाई है, तो इसमें भी देखेंगे टी है वाई है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो आसान तरीका हो जाता है सॉल्व करने के लिए, आसान तरीका क्या हो जाता है सॉल्व करना, देखिएगा सॉल्व कैसे किया जाता है, यहां पे जिसके लिए दोस्तों जो अंक यूज किया है, जिस अक्षर के लिए जो अंक यूज किया है उसी अक्षर के लिए हम वो अंक यूज करेंगे, यानी समझिएगा हम समझा रहे हैं, पहले समझिए यहां पे अच्छे से एक बार समझिए, यहां पे दोस्तों क्या है टी है, देखिएगा यहां पे ये टी है, तो यहां पे देखिए टी के लिए ये क्या लिखा है, देखिए टी के लिए क्या लिखा है दोस्तों, यहां पे टी के लिए क्या लिखा है 5, तो इस टी के लिए भी हम क्या करेंगे
5 लिख देंगे। फिर दोस्तों क्या है, यहाँ पे R है, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सिटी में R कहाँ है दोस्तों, R इधर से देखिए 2, 2, 4, 5वें पे, ठीक है, 5वें पे, तो इधर से काउंट करिए 2, 2, 4, 5वें पे, 5वें पे क्या है दोस्तों, 4 है, तो 4 लिख देंगे। फिर क्या है दोस्तों, यू है, यू है ना, तो यू के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए यू पहले पे है, तो पहले के लिए क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो यू के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे एस है, तो यूनिवर्सिटी में देखिए एस कहाँ है, यस यहाँ पे है, लास्ट से चौथा है, तो लास्ट से आप चौथा काउंट करेंगे तो 8 है, तो हम क्या कर देंगे, इसे 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, टी है, तो टी के लिए देखिए क्या है, टी के लिए अभी हम यहाँ पे ऐसे किए थे ना, 5 है यानी 5 है, तो 5 लिख देंगे। फिर दोस्तों क्या है, वाई है, तो वाई के लिए देखिए क्या है दोस्तों, वाई लास्ट वाला है, तो इसमें लास्ट में क्या है दोस्तों, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर ये हो जाएगा 5, 4, 1, 8, 5, 6 हो जाएगा, 5, 4, 1, 8, 5, 6। देखिए 5, 4, 1, 8, 5, 6 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, 5, 4, 1, 8, 5, 6, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, यानी अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसे जरूर नोट करिएगा। क्या होते हैं, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर कुछ पूछ रहा है और वो सारे दोस्तों अक्षर अगले वाले, यानी जिस प्रश्न में यहां पे दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे जो दिया है कि यूनिवर्सिटी को ऐसे लिखा गया, ट्रस्टी को, अगर इसमें वो अक्षर मौजूद है तो आपको कोडिंग नहीं करना है, ये नहीं पता करना है कि कितना बढ़ा के लिखा, कितना घटा के लिखा, जो जैसे जिसके लिए जो अंक यूज किया है वैसे आप अंक यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न भी हमेशा रिपीट होते हैं, इसे भी दोस्तों आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को समझ भी रहे होंगे, समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपको टेंशन लेने की दोस्तों जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छठा क्वेश्चन, ये हम आपको पहले बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, यदि मिंट MINT को 3940 लिखा गया है तो टेल TALE का कोड होगा, टेल का कोड क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आए तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। M दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 13 पे आता है। I कितने पे आता है, 9 पे आता है। N कितने पे आता है, 14 पे आता है। T दोस्तों कितने पे आता है, 20 पे आता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, जब नंबरिंग कर लेंगे तो 3940 कैसे लिखा है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका यूनिट डिजिट देखिएगा, इकाई अंक इसका क्या है दोस्तों, 3 है। 13 का इकाई अंक क्या है, 3 है। 9 एक ही है तो 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। 14 का इकाई अंक क्या है दोस्तों, 4 है, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा 20 का इकाई अंक दोस्तों क्या है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। 3940 आ गया और 3940 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगले वाले को भी दोस्तों क्या करिए, नंबरिंग करिए। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। एल कितने पे आता है, 12 पे, समझते चलिएगा। ई कितने पे आता है दोस्तों, 5 पे आता है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आए तो बस यही करना है। अब देखिए सबका क्या करिए दोस्तों, यूनिट डिजिट इकाई अंक लिखिए। इसका क्या है दोस्तों, 0 है तो 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 12 का 2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे। 5 एक ही है तो 5 हो जाएगा। 0125 इसका आंसर होगा। तो देखिए 0125 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह रहा सातवां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये बोल रहा है दोस्तों, यदि OT OOTY = 4
शिमला SHIMLA बराबर 6, दार्जिलिंग यहाँ पे है DARJ, देखिए सॉरी DARJEELING बराबर 10 है, तो नैनीताल NAINITAL का TAL का मान क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कोई आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न को एक बार पहले समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो ये OT लिखा है ना OOTY, तो यहाँ पे टोटल काउंट करिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। शिमला को काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6, शिमला में कितने हैं 6, तो लिख दिया है 6, समझिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा, अगला मतलब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है दोस्तों 10, तो 10 लिख दिया। अब बताइए दोस्तों नैनीताल के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा दोस्तों 8 होगा, काउंट किए तो 8 आया, देखिए 8 किस ऑप्शन में है, तो क्या होगा दोस्तों इसका 8 होगा, 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहले में, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, यह हम आपको बता दें दोस्तों यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न है यदि ड्राइवर बराबर 12 पेडेस्ट्रियन PEDESTRIAN = क्या है 20 यानी 20 है, एक्सीडेंट ACCIDENT बराबर 16 हो तो कार बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप ऐसे ना सोचने लगेगा कि D 4 नंबर पे आता है, R कितने पे आता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, टोटल ड्राइवर में देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है दोस्तों, और लिखा क्या है दोस्तों 12 लिखा है, यानी किया क्या है दोस्तों 2 गुना कर दिया है। पेडेस्ट्रियन में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है दोस्तों यहां पे 10 है, 10 को लिखा क्या है दोस्तों 20 लिखा है, यानी किया क्या है दोस्तों 2 गुना कर दिया है। एक्सीडेंट में काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है दोस्तों 8 है, और लिखा क्या है दोस्तों 16 लिखा है, किया क्या है दोस्तों 2 गुना कर दिया है, समझ में आ रहा है, यहां पे अक्षरों को काउंट करके 2 गुना लिख रहा है। तो कार में काउंट करिए 1 2 3, कितना है 3 है, तो लिखेंगे क्या दोस्तों, इसको भी हम 2 गुना कर देंगे, हो जाएगा 6, यानी इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। देखिए 6 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को नोट करिए, और टेलीग्राम को अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप टेलीग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हैं SSC Maker, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF मैं वहां पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।